व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ मेरा मेकअप कलेक्शन। सो गाइस प्लीज डोंट टेक इट एज अ शो ऑफ, मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रही हूँ। सो मुझे ये वीडियो करने की रिक्वेस्ट आ रही थी, सो दैट्स व्हाई आई एम शूटिंग दिस वीडियो। और ये वीडियो देखने के बाद कुछ लोग कमेंट करेंगे कि आपके पास कितना सारा मेकअप प्रोडक्ट्स है या फिर आपके पास कितना कम मेकअप प्रोडक्ट्स है। तो सबसे पहले उन लोगों को मैं क्लियर कर दूँ, जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट भी नहीं किया था तो उससे पहले मेरे पास एक आई शेडो, दो फाउंडेशन, बहुत कम मेकअप प्रोडक्ट्स था। बट जैसे होता है ना कि यूट्यूब चैनल आप अपना क्रिएट करते हो तो आपको मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ते हैं, लाइक रिव्यू के लिए, मेकअप ट्यूटोरियल्स के लिए। तो ऐसे ही करके मेरे पास बहुत सारे मेकअप कलेक्ट्स हुए हैं, तो वही मैं आज आप लोग से शेयर करने वाली हूँ। सो आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल और बाजू में जो बेल आइकन होगी उसको भी हिट कर देना, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैंने अपने मेकअप को ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। बेसिकली मैंने अपने एक कबर्ड में सारे मेकअप प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। सो ऊपर वाले सेक्शन में आपको दिख रहे होंगे कि कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पर मेरा स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पर फाउंडेशन एंड आई शेडो पैलेट्स हैं। देन नीचे के सेक्शन में यहाँ पर आपको जो तीनों ड्रॉर्स दिख रहे हैं इसमें मैंने अपनी पूरी लिपस्टिक रखी हुई है, और ये चारों ड्रॉर्स में भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं। और नीचे जो है वो सारे मेरी ज्वेलरी के बॉक्सेस आपको दिख रहे होंगे। सो ज्वेलरी कलेक्शन पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, सो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। सो सबसे पहले मैं ऊपर वाले सेक्शन का आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो सबसे पहले मैं अपनी ये वाली बास्केट से शुरू कर रही हूँ जिसमें मैंने सारे अपने स्किन केयर के प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। सो ज़्यादातर आपको मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स दिख रहे होंगे जो कि करेंटली मैं यूज़ कर रही हूँ, एंड आई लव दिस प्रोडक्ट्स। सो सबसे पहले मेरे पास है ये मामा अर्थ का फेस स्क्रब, देन ये अगेन है मामा अर्थ का स्किन इल्यूमिनेट फेस सीरम, उसके बाजू में ये है एम कैफिन का कॉफ़ी बॉडी पॉलिशिंग ऑयल। सो इस ये मुझे स्मिटन के ट्रायल पैक में मैंने लिया था। सो उसके भी नीचे जो है ये है अगेन एम कैफिन का कॉफ़ी बॉडी स्क्रब, एंड उसके बाजू में है ये मेरा लैक्मी पीच मिल्क का मॉइस्चराइज़र, एंड ये अगेन मामा अर्थ का विटामिन सी फेस टोनर जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एंड आई लव दिस टोनर। सो ये है निविया का सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र, एंड उसके नीचे है ये वाओ की फेयरनेस क्रीम। इस पर मैं रिव्यू कर चुकी हूँ, अगर आपको देखना होगा तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, उस वीडियो के लिंक मैं वहाँ पर डाल दूँगी। देन उसके बाजू में है ये अगेन मामा अर्थ का उबतन फेस मास्क। सो ये अगेन मैंने स्मिटन के ट्रायल पैक में लिया था पहले यूज़ करने के लिए कि मेरी स्किन पर वो सूट करता है या नहीं, बट ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फेस मास्क है। सो उसके बाद है ये पर्म का नाइट जेल जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ। देन उसके बाजू में है ये मामा अर्थ का ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइज़र, एंड यहाँ पर है मेरा ये पर्पल का फेस सीरम, एंड यू कैन सी दैट गाइज कि मैंने कितना यूज़ करा हुआ है। एंड उसके बाजू में जो है यहाँ पर भी कुछ रखे हुए हैं। सो ये है गुड वाइब्स का बॉडी लोशन जो कि मुझे फ्री में मिला था, बिकॉज मैंने कुछ 7 या 8 प्रोडक्ट्स मंगाए थे तो उसमें मुझे मिला था। देन उसके बाद है ये गुड वाइब्स का लेवेंडर इसेंशियल ऑयल जो कि आप अपने बालों के लिए, फेस के लिए भी यूज़ कर सकते हो। एंड बैक साइड में यहाँ पर है ये गुड वाइब्स का ग्रीन टी टोनर जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। उसके बाद है ये मामा अर्थ का उबतन फेस मास्क जो मैंने ट्रायल पैक यूज़ करा था ना तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था, तो इसलिए मैंने ये बड़ा वाला लिया, और ये मैं 2 बार ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ। सो इसको मैं साइड में रख देती हूँ बिकॉज उसके नीचे भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। उसके बाद है ये गुड वाइब्स का पपाया फेस स्क्रब, एंड आपको ज़्यादातर मेरे पास गुड वाइब्स के ही प्रोडक्ट्स हैं और मामा अर्थ के। सो ये अगेन है गुड वाइब्स का एक्टिवेटेड चारकोल फेस मास्क। तो मुझे सबसे ज़्यादा ना गुड वाइब्स का ये एक्टिवेटेड चारकोल फेस मास्क अच्छा लगा है। सो इस ये वाला मेरे पास है, एंड इसमें बड़ा भी मैंने ऑलरेडी मंगवा कर रखा हुआ है। सो उसके बाद है ये बायोटिक का मिल्क प्रोटीन फेस पैक, एंड उसके बाद है नेक्स्ट अगेन बायोटिक का, यह है बायोटिक की ब्राइटनिंग फेस क्रीम जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ
एंड उसके नीचे ओह गॉड उसके नीचे भी बायोटिक का ये टैन रिमूवल स्क्रब है एंड आई लव दिस स्क्रब गाइस। टैन रिमूवल के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्क्रब है एंड यहाँ पर इसको मैं रख देती हूँ बिकॉज उसके नीचे भी दिख रहा होगा आपको प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। सो यहाँ पर है ये अगेन बायोटिक का बायो फ्रूट डीप पिगमेंटेशन टैन रिमूवल फेस पैक। तो अगेन मैं इस पर रिव्यू कर चुकी हूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो एक सेकेंड मैं सारे प्रोडक्ट्स पहले रख देती हूँ बिकॉज अब भी जस्ट मैंने सारे प्रोडक्ट्स को स्टोर करके अच्छे से रखा हुआ है। सो एक मिनट नीचे भी है ये है गुड वाइब्स का लोटस की इल्यूमिनेटिंग फेस क्रीम जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। ओके तो इसके नीचे है ये मेरा सेकेरिटिन का रेड अनियन हेयर मास्क जो कि मुझे ये मुझे पीआर में मिला था। सो उसके बाद ये पूरी बास्केट मैंने दिखा दी। ओके इसके पीछे भी आप देख रहे होंगे ये मुझे VLCC का मेरा फेशियल किट है एंड इसके बैक साइड में यहाँ पर ये VLCC का ब्राइट ग्लो जेल क्रीम है जो कि मुझे VLCC के फेशियल किट के साथ में रिसीव हुआ था। ये है पल्म का टोनर जो कि ऑयली स्किन वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद है मेरे पास ये गुड वाइब्स का फेशियल ऑयल विथ गोल्ड लिप्स तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और आप देख लो कितना ज़्यादा मैंने ख़त्म किया है। उसके नीचे है ये गुड वाइब्स का अगेन एक्टिवेटेड चारकोल फेस मास्क तो ये बड़ा वाला है 100 ग्राम का, वो 50 ग्राम का था तो वो ख़त्म होने पे है इसलिए मैंने ये वाला ऑर्डर कर दिया पहले ही। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर आपको कोई भी चारकोल मास्क ट्राई करना होगा तो आप ये वाला ट्राई कर सकते हैं। के बाजू में है ये न्यूट्रीजीना की अल्ट्रा शेयर सनस्क्रीम, सो यही एक ही सनस्क्रीम मेरे पास है जो कि मैं हमेशा से यूज़ करती आई हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो कुछ इतने फाउंडेशंस मेरे पास है। तो पीछे साइड से मैं स्टार्ट करती हूँ। सो यहाँ पर है मेरी पॉन्स की बीबी क्रीम, देन पीछे आप जो देख रहे हो वो मेरे फेस प्राइमर है। सो ये है ब्लू हेवन का प्राइमर, देन ये है वेट एंड वाइल्ड का डूवी इल्यूमिनेक्स प्राइमर। तो ये प्राइमर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अगर आप कोई भी एक बार में प्राइमर पर इन्वेस्ट करना चाहते हो यू कैन परचेज दिस वन। सो नेक्स्ट है मेरे पास ये SFR कलर का प्राइमर एंड पीछे जो है ये है स्टे करके की बीबी क्रीम, देन ये है अगेन वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फेस प्राइमर। ये मैट फेस प्राइमर है और ये जो है डूवी इल्यूमिनेक्स प्राइमर है। और उसके पीछे यहाँ पर है मेरे पास ये एले गर्ल का प्रो कवरेज इल्यूमिनेटिंग फाउंडेशन। सो ये हाई कवरेज फाउंडेशन है और ड्राई स्किन वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा है, अगर आप कोई भी ग्लोई मेकअप कर रहे हो ना तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा फाउंडेशन है। ओके देन उसके बाजू में मेरे पास है ये परफेक्टिंग लिक्विड फाउंडेशन और ये दो फाउंडेशन है मेरे पास, ये है लॉरियल का ट्रू मैश फाउंडेशन। सो इसमें मेरे पास दो फाउंडेशन है बिकॉज इसमें शेड जो है वो दोनों डिफरेंट है। सो नेक्स्ट है ये मेकअप रिवॉल्यूशन की फाउंडेशन स्टिक, उसके बाजू में है ये स्पिन्स की बीबी क्रीम और यहाँ पर है मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट फाउंडेशन जो कि है एले गर्ल का प्रो मैट HD हाई डेफिनेशन लॉन्ग वेयर मैट फाउंडेशन एंड ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट फाउंडेशन है जो कि हर वीडियो में मैंने आपको बोला हुआ है, मेबेलिन का ये फिट मी फाउंडेशन और इसमें मेरा शेड आप देख सकते हो 310 सन बेज। और आप सोच रहे होंगे मेरे पास दोनों जो है मेबेलिन के 310 सन बेज वाले ही फाउंडेशन है बिकॉज ये ख़त्म होने को है इसलिए मैंने पहले ही ये ऑर्डर कर दिया। ओके तो इसके बाजू में है ये फेयर एंड लवली की बीबी क्रीम जो कि मैंने एक मेकअप लुक क्रिएट करने के लिए यूज़ किया लिया था इसको। सो उसके बाजू में है ये वेट एंड वाइल्ड का फ़ोटो फोकस फाउंडेशन, देन यहाँ पर है मेरे कंसीलर जो कि है मेबेलिन का कंसीलर, ये है वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर और ये है NYBA का कलर करेक्टर, इसमें मेरे पास ऑरेंज भी है एंड इसमें मेरे पास ग्रीन कलर करेक्टर भी है एज़ यू कैन सी। देन नेक्स्ट है अगेन ये NYBA का आप फाउंडेशन कह लो या कंसीलर स्टिक कह लो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। और नेक्स्ट है ये मेकअप रिवॉल्यूशन का लिक्विड हाइलाइटर, तो ये वाला मैंने फाउंडेशन के इसमें ही रखा हुआ है।
देन उसके बाद में मेरे पास है ये ADS का लग्जरी बनाना पाउडर विच इज़ सो अफोर्डेबल गाइस। एंड नीचे जो आपको दिख रहा है वो कंसीलर और फेस पाउडर है। एंड यहाँ पर है ये मेकअप फिक्सर जो कि है ब्लू हेवन का, और ये है SFR का मेकअप फिक्सर जो कि आप देख सकते हो पूरा ख़त्म होने पर ही है। ओके, तो इसको यहाँ पर रख देती हूँ मैं। तो कुछ इतने सारे मेरे पास फाउंडेशन और फेस प्राइमर और कंसीलर है, और इस फाउंडेशन की बास्केट के बाजू में ही मैंने ये रखा हुआ है, ये है सुनीसा की CC क्रीम या फाउंडेशन कह लो आप। तो इसको मैंने बास्केट इसके कवर के साथ में ही रखा हुआ है, तो इसको मैं आपको ओपन करके बता देती हूँ। सो कुछ इस तरीके से, इसके साथ आपको ब्यूटी ब्लेंडर भी मिलता है, तो इसलिए मैंने इसके बॉक्स के साथ में ही इसको रखा हुआ है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आप देख सकते हो। ओके, तो इसको मैं बंद करके पहले रख दूँ। ओके, तो इसको यहाँ पर मैं रख देती हूँ। सो यहाँ पर है ये मेरा गार्नियर का क्लिंजिंग वाटर। सो ये मैंने यूज़ नहीं करा है इतना, बिकॉज ये ना आप देख सकते हो यहाँ से नीचे गिर के टूट गया था, तो पूरा ये ख़त्म हो गया, बस इत्तू सा ही बचा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर इसको मैं रख देती हूँ। देन उसके बाजू वाली बास्केट हम स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर मेरे आई शेडो पैलेट्स रखे हुए हैं जो कि बड़े वाले आई शेडो पैलेट्स हैं, और इसमें मेरे छोटे वाले आई शेडो पैलेट्स हैं। सो यहाँ बड़े वाले से मैं स्टार्ट करती हूँ। सो बड़े वाले आई शेडो पैलेट में ना आप यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले मेरे पास है ये एक सेकेंड SFR का हेटेड विथ लव आई शेडो पैलेट जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, एंड उसमें के कलर्स भी बहुत अच्छे हैं। तो इस पर मैं रिव्यू कर चुकी हूँ, अगर आपको शेड्स वगैरह देखने होंगे तो रिव्यू चेक कर लेना आप उसका। सो उसके बाद है मेरे पास ये आई एम सो प्रिटी ब्यूटी फेस्ड आई शेडो पैलेट, तो ये मुझे मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट करा था। एंड नेक्स्ट है ये वाला आई शेडो पैलेट जो कि मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। सो इसको मैंने लिया था जब मेरा यूट्यूब चैनल भी नहीं था, तभी से मेरे पास है। सो उसके बाद है ये मेरे पास ग्लिटर गैलेक्सी का फ्यूजन आई शेडो पैलेट, एंड आई लव दिस वन बिकॉज इसमें आपको मैट शेड भी मिलते हैं, ग्लिटर शेड भी मिलते हैं, और इसके ग्लिटर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, प्रॉपर प्रेस ग्लिटर होते हैं ना वैसे हैं। तो उसके बाद है मेरे पास ये ग्लैम 21 का आई शेडो पैलेट्स, और इसके शेड्स पिगमेंटेड तो है बट बहुत ज़्यादा पाउडरी है। ओके, तो उसके बाद ये है मेरे पास SFR का ग्लिटर आई शेडो, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है बिकॉज इसमें भर भर के ग्लू है, जब भी आईज पर लगाओगे ना तो ज़्यादा ग्लू ही मुझे लगता है इसमें। अगर आपको ग्लू वाले ग्लिटर पसंद है तो ही आप इसको लो, अदरवाइज यू कैन डोंट परचेज दिस वन बिकॉज वेस्ट ऑफ मनी है। सो उसके बाद मेरे पास है ये स्विस ब्यूटी के लिक्विड आई शेडो, इसमें 6 लिक्विड आई शेडोज ग्लिटर आई शेडोज आपको मिलते हैं। अगर आपको एक लेना होगा तो वो आपको 199 का मिलता है। इसमें के जो शेड्स हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। एक्चुअली इसमें का जो डायमंड डस्ट और रोज़ गोल्ड वाला है ना वो शेड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। देन ये है मेरे पास मैंच का प्रोफेशनल आई शेडो पैलेट, और इसको तो मैं बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ, शेड्स आप इसके देख सकते हो कितने ज़्यादा अच्छे हैं। और उसके बाद मेरे पास है, एक सेकेंड ये रख दूँ, उसके बाद मेरे पास है ये SFR का दी रॉक न्यूट आई शेडो पैलेट। सो इसको मैंने कप्स एंड लैशेस पर से परचेस किया था, और ये कुछ 200 का मुझे मिला था। सो इसमें के जो शेड्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, सारे के सारे शेड्स बहुत पिगमेंटेड है। एंड उसके बाद है मेरे पास, ये है मेरे पास सिवाना कलर्स का प्रो HD ब्लशर हाइलाइटर एंड कॉन्ट्रोल पैलेट। तो इसमें ना 3 ब्लशर आपको मिलते हैं, 4 हाइलाइटर्स मिलते हैं, और एक कॉन्ट्रोल शेड मिलता है। सो आपको अलग अलग कोई भी अगर हाइलाइटर या ब्लशर लेना नहीं चाहते तो आप इस वाले पैलेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। सो उसके बाद है मेरे पास, एक मिनट, ये है हुडा ब्यूटी का न्यूट आई शेडो पैलेट। सो इसको मैंने फ्लिपकार्ट पर से परचेस किया था, और इसके जो शेड्स हैं ना आप देख लो, ड्यूप है बट इसके जो शेड्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। लाइक एकदम जो भारी आई शेडो पैलेट्स होते हैं ना एक्सपेंसिव वाले, उसमें के जो शेड्स होते हैं वेल पिगमेंटेड, उस तरीके का है। नाउ मैं एक शेड आपको इसमें का बता देती हूँ, यू कैन सी दैट गाइस कितना ज़्यादा पिगमेंटेड है, और इसमें के जो ग्लिटर्स हैं वो भी काफ़ी
ज़्यादा अच्छे हैं, आप देख सकते हो। सो ये पैलेट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एक्चुअली ये मैंने लिया था 300 रुपीज़ में। ओके सो इसको भी मैं रख देती हूँ। उसके बाद है मेरे पास ये मेबलिन का दी 24K न्यूट आई शेडो पैलेट, और ये आई शेडो पैलेट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ख़ास करके न्यूट शेड इसमें जो मिलते हैं ना वो आपको दूसरे पैलेट्स में इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। एक सेकेंड मैं ओपन इसको करके बता देती हूँ, एक हाथ से हो भी नहीं रहा ओपन। इसमें के शेड्स आप देख सकते हो, एंड एक स्वाच भी करके मैं आपको बता देती हूँ। एक सेकेंड, ये वाला, ये डार्क ग्रीन शेड है, एंड यू कैन सी दैट गाइस, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है इसमें के शेड्स भी। सो इसको यहाँ पर मैं रख देती हूँ। देन ये सारे मेरे बिग आई शेडो पैलेट्स हो गए। देन ये मेरे जो है मिनी आई शेडो पैलेट्स हैं। सो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ये है एन के का आई शेडो पैलेट, इसमें मेरा शेड है बर्थडे केक, इसमें सारे ब्राइट शेड्स मिलते हैं। और इसमें मैंने और भी दो पैलेट्स लिए हुए हैं, आपको दिख रहा होगा ये शेड्स डिफरेंट है। ये है अंडर द सी, इसमें का भी शेड मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। एक सेकेंड के शेड्स आप देख सकते हो गाइस, खास करके ये वाला शेड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ये एकदम पिंक ग्लिटरी न्यूट शेड है। सो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड नेक्स्ट अगेन मेरे पास ये एन के का आई शेडो पैलेट है, इसमें शेड है मोका मिक्स। सो इसमें सारे न्यूट शेड आपको मिलते हैं, ऊपर से आपको दिख रहा होगा। सो एक सेकेंड मैं इसको पहले रख देती हूँ वरना फिर से मुझे क्लीन करने का आ जाएगा। ओके देन उसके पास में है ये वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर इन दी शेड प्रीशियस पेटल्स। सो ये ज़्यादा अच्छा है ये वाला भी हाइलाइटर। देन उसके बाद है मेरे पास ये इन कलर का इंस्टेंट ग्लो शिमर ब्रिक हाइलाइटर, एंड आई लव दिस हाइलाइटर गाइस, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। एंड इसमें आप शेड्स देखो, आपको कितने शेड्स मिलते हैं, 5 इसमें शेड्स आपको मिलते हैं हाइलाइटर के, जिसको आप एज अ आई शेडो की तरह भी यूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद है ये इन कलर का सिंगल शिमर आई शेडो। देन ये है मेरे पास, ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था, ये क्रीमी आई शेडो है बट आई डोंट लाइक दिस वन। सो नेक्स्ट है ये अगेन इन कलर का, बट ये जो शेड है ये रोज़ गोल्ड है। उसके बाद मेरे पास है ये ऑस्ट्रेलिक्स का मेटेलिक आई शेडो, एंड ये इतना ज़्यादा अच्छा है ना, मैं हाईली हाईली रिकमेंड करूँगी आपको, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसमें भी आपको बहुत सारे शेड्स मिल जाते हैं, एंड इसमें जो शेड्स है मेरा वो है गन्स एंड रोज़ पेटल्स। इसको यहाँ पर मैं रख देती हूँ। देन ये है मेरे पास, ये है शेयर कवर का पैलेट जिसमें लिप कलर है और आईलाइनर्स है। शेड्स आपको दिख रहे होंगे जो मैंने बहुत टाइम हो गया मैंने परचेज़ किया इसको। सो उसके बाद है मेरे पास ये लॉरियल का आई शेडो पैलेट, तो ये आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएगा, इसमें और एक शेड आता है। सो इसमें आप देख सकते हो कुछ 4 ही शेड्स आपको मिलते हैं, बट पिगमेंटेशन में बॉम पिगमेंटेशन है इनकी। ओके देन यहाँ पर मैं इसको पहले रख देती हूँ। उसके बाद है ये मेरे पास चैम्बर का आई शेडो पैलेट जो कि मैंने मॉल से लिया था, और इसका जो प्राइस है ना वो था 850 रुपीज़, और इसमें जो शेड आते हैं वो सिर्फ 3 ही शेड आते हैं। तो जब मैंने ले लिया था और उसमें के शेड्स अच्छे हैं, और एक ये वाला शेड ना मुझसे गिरकर टूट गया था, ये भी टूट गया था बट इसको मैंने थोड़ा ठीक करा है, तो इसको ही मैं रख देती हूँ। सो ये भी अगेन चैम्बर का है, मैंने दोनों ही मॉल से साथ ही में लिए थे। सो ये दोनों टूटे थे साथ ही में, तो अगेन आप देख सकते हो ये वाला ही शेड, पता नहीं एक कॉर्नर का ही शेड गिरकर टूट गया दोनों पैलेट में से। सो पिगमेंटेशन की अच्छी है बट प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। सो पिगमेंटेशन आप देखो इसकी ब्लू कलर की। सो इसको मैं रख देती हूँ। देन उसके बाद है मेरे पास ये इन ग्लॉट का शिमर आई शेडो, एंड उसके नीचे है ये मेरे पास वेट एंड वाइल्ड का कॉन्टोर पैलेट इन दी शेड कैरमल टॉफी। जब मैंने इसको ऑर्डर किया था ना तो ये मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था, ये इतना ह्यूज है, आप देखो, मैंने सोचा था थोड़ा छोटा होगा, बट जब मुझे रिसीव हुआ एंड ये इतना ज़्यादा बड़ा निकला।
तो यहाँ पर इसको मैं पहले रख देती हूँ। देन उसके बाद है मेरे पास ये ग्लिटर आई शेडो, अगेन ये वेट एंड वाइल्ड के ग्लिटर आई शेडो है। सो इसका जो प्राइस है वो 500 रुपीज़ है, बट अगर आप कोई भी ग्लिटर आई शेडो चाहते हो तो ज़्यादा महंगे वाले अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्विस ब्यूटी के ट्राई कर सकते हो, ये एक जो है 500 रुपीज़ का मिलता है। सो इसमें के जो शेड्स हैं अगर आपको दोनों परचेस करने होंगे तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। सो उसके बाद है ये मेरे पास वेट एंड वाइल्ड का ये मिनी कॉट, तो इसमें देख सकते हो आप चार शेड मिलते हैं। इसमें है ट्रांजिशन शेड ब्राउ बोन के लिए और आईलेट के लिए, कुछ इस तरीके से इस पर लिखा हुआ है ऑलरेडी। सो इसमें का जो शेड नेम है वो मुझे दिख नहीं रहा, ऊपर लिखा हुआ है वेट एंड वाइल्ड कलर आइकन। देन उसके बाद है ये वेट एंड वाइल्ड का ही मिनी कॉट, सो इसमें भी देख सकते हैं कुछ इस तरीके के शेड मिलते हैं। ओके, तो अब है मेरे पास ये वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट इन दी शेड कंफर्ट जोन। इसको मैंने ज़्यादा यूज़ ही नहीं किया है अभी तक, जब से मैंने लिया आई थिंक इसको मैंने एक ही बार यूज़ किया है अभी वीडियो में। और उसके बाद है अगेन मेरे पास वेट एंड वाइल्ड का शेड नेम है रोज़ इन दी एयर। सो ये पैलेट को मैंने इतना ज़्यादा यूज़ किया है ना, इसके शेड्स भी नीचे से ख़त्म होने को आया। सो ऑलमोस्ट ये वाले आई शेडो पैलेट्स मैंने दिखा दिए और बड़े वाले भी आपको दिखा दिए। देन उसके पीछे यहाँ पर है ये वाली बास्केट जो मैंने आपको नहीं दिखाई। सो ये इसमें जो है कुछ इतने ही प्रोडक्ट्स है, ये है वाव का एक्टिवेटेड चारकोल। सो इस पर मैंने रिव्यू नहीं किया हुआ है इसलिए मैंने बॉक्स को भी अभी तक रखा हुआ है, एक बार मैंने यूज़ किया हुआ है बट मुझे इस पर वीडियो बनानी है। तो उसके पीछे है ये स्ट्रीक्स का हेयर सीरम, देन ये है पैंटिन का मिरेकल हेयर ऑयल, उसके बाद है ये बायोटिक का हेयर ऑयल है, बट इसको मैंने एक बार यूज़ किया एंड आई डोंट नो मेरे हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो रहा था तो आप देख सकते हो इसको मैंने ज़्यादा यूज़ ही नहीं किया फिर। सो उसके बाद ये है गुलाब, ये रोज़ वाटर है अगेन। सो यहाँ पर है ये VLCC का पपाया फ्रूट फेशियल किट। देन उसके बाजू में है ये ऑक्सी ब्लीच, इसमें छोटा वाला भी है मेरे पास और बड़ा वाला भी है नीचे की तरफ। सो इसको यहाँ पर मैं रख देती हूँ। और ये जो है ये VLCC के फेशियल किट में मुझे रिसीव हुआ था। एंड इसके बाजू में जो है ये है स्वीट की सेंसिटिव आईब्रो ट्रिमर। सो इससे ना आप हेयर के हेयर भी रिमूव कर सकते हो, लैक के भी कर सकते हो और आईब्रोज के लिए भी यूज़ कर सकते हो। जब लॉकडाउन हुआ था सारे पार्लर्स बंद थे तब मैंने इसको लिया था एंड स्पेशली तब मुझे बहुत ज़्यादा ये काम आया था। ओके, तो ये वाली बास्केट एंड ये वाली सारी मैंने आपको दिखा दी, अब आते हैं इसकी तरफ। सो इसमें है मेरे ग्लिटर आई शेडोज। सो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ऊपर ही रख दिया है ये ADS का शिमर आई शेडोज है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इतने सारे मेरे पास लूज़ ग्लिटर है। सो ऐसे वाले लूज़ ग्लिटर आपको इजीली लोकल मार्केट में मिल जाएंगे जस्ट 20 या 30 रुपीज़ के। तो सारे कलर्स इसमें हैं मेरे पास, आप देख सकते हो, ऐसे आपको फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएंगे। देन उसके बाजू में यहाँ पर है मेरे पास ये आई लैशेस कर्लर जो कि मैं यहाँ पर ही रखती हूँ। सो यहाँ पर है मेरे कुछ बॉडी परफ्यूम्स। सो ये है एक्चुअली अगेन मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट करा था, तो एक सेकेंड बहुत भारी है। सो ये है आई लव यू परफ्यूम, देन ये है इंगेज का बॉडी परफ्यूम। आई डोंट नो, जब भी मैंने इंगेज के परफ्यूम लिए है ना उसका कैप ही मुझसे हमेशा टूटता है, पता नहीं, जब भी मैं ओपन करती हूँ तो कैप गायब हो जाता है। सो उसके बाद है ये स्पिन्स का परफ्यूम डियो, देन उसके पीछे है ये निविया का बॉडी परफ्यूम, देन ये अगेन निविया का, और उसके बाद ये है जो मैंने अभी तक ज़्यादा यूज़ ही नहीं करा, ये मैंने मॉल से लिया था बेसिकली। ओके, तो ये सारा ऊपर का सेक्शन मैंने आपको बता दिया, आप जाते हैं नीचे के। एक सेकेंड, पहले मैं आपको ये वाला ड्रॉअर बता देती हूँ। सो इस वाले ड्रॉअर में मेरे जो है आर्टिफिशियल नेल्स हैं और कुछ चूड़ी रखी हुई है एंड कुछ क्लिप्स रखी हुई है, और ये जो है मेकअप ब्रशेस का पाउच है। एंड आप सोच रहे होंगे मेरे पास मेकअप ब्रशेस नहीं दिख रहे आपको। सो मेकअप ब्रशेस मैं मेरे सिस्टर के रूम में रखती हूँ बिकॉज मैं वहाँ पर ये वीडियो शूट करती हूँ, तो यहाँ पर मैं नहीं रखती हूँ ज़्यादा। ओके, तो ड्रॉअर मैंने बता दिया। देन नीचे के सेक्शन में अब आते हैं यहाँ पर जहाँ पर मेरी लिपस्टिक रखी होती है।
तो इस वाले ड्रॉर में जैसे कि मैंने बताया सारे मेरी लिपस्टिक रखे हुए, तो सबसे पहले ऊपर वाले ड्रॉर में ओपन करती हूँ। सो ऊपर वाले ड्रॉर में आप देख सकते हो कुछ इतनी सारी मेरी लिपस्टिक्स रखी हुई हैं। सो सबसे पहले है ये मैट मी की लिपस्टिक, देन ये है इन ग्लॉट की, उसके बाद है ये एलेटिन की, और ये है फोकलियर की जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, और इसका शेड नेम आप देख सकते हो 02 बर्गंडी है। उसके बाद है मेरे पास लॉरियल की, रेड शेड है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसका रेड शेड भी। सो ये है वेट एंड वाइल्ड की बुलेट लिपस्टिक, और उसके बाद है ये लैक्मी इन रिच की, और ये है स्लिक की मैट मी लिपस्टिक, ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव आती है। सो ये है SFR की न्यूट लिपस्टिक, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है अगर न्यूट शेड अगर आपको पसंद हो तो। उसके बाद है ये मी नाउ की किस प्रूफ, सो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी है लिप पेंसिल में। सो उसके बाद है ये बेला वॉस्टे की मेरे पास चार लिपस्टिक है डिफरेंट डिफरेंट शेड में, जो कि है ये अगेन बेला वॉस्टे की, इसमें जो शेड है वो है गॉटी पल्म, सो ये यहाँ पर मैं रख देती हूँ। देन उसके बाद है ये लैक्मी 925 की लिपस्टिक, एंड इसमें भी शेड डिफरेंट है, सो इसका मैं शेड आपको पहले बता दूं। सो ये आप देख सकते हो ऑरेंज शेड है, और इसमें जो है ये पिंक शेड है, एंड मुझे ज़्यादा पिंक शेड बहुत पसंद है लिपस्टिक में और रेड शेड, तो इसको मैं रख देती हूँ यहाँ पर। देन उसके पीछे है ये ADS की प्रो मैट मी एडिशन, तो एंड उसके बाद है ये इन कलर की मैट मी लिक्विड लिपस्टिक, उसके पीछे है ये गाला की लिपस्टिक, ये अगेन इन ग्लॉट की है, एंड इसका जो शेड है वो आप देख सकते हो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, बिकॉज मैं इसको लगाती हूँ तो अजीब ही लिप्स दिखते हैं, सो इसको यहाँ पर रख देती हूँ। देन ये अगेन बेला वॉस्टे की लिक्विड लिपस्टिक है, इसमें जो शेड है वो है रोज़ पॉप। देन ये है रेड लिपस्टिक जो कि मैंने लोकल मार्केट से ली थी, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, एंड ये है पीछे एलेटिन की। सो इस वाले बॉक्स को मैं बंद कर देती हूँ, देन नीचे वाले बॉक्स की तरफ जाते हैं। सो यहाँ पर कुछ इतने सारे लिपस्टिक रखे हुए हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा आपको हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक दिख रही होंगी जो कि मैट मी की है, और ये मैंने सारा कम्बो लिया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इतनी सारी पूरी 12 का सेट आता है वो मैंने लिया था। देन उसके बाद है ये वेट एंड वाइल्ड का लिप लाइनर, रेड कलर का है ये, और उसके बाद है पीछे ये कुछ मेरे पास बुलेट लिपस्टिक है जो मैंने लोकल मार्केट से ली थी बहुत पहले, और उसके बाद ये है मेरे पास ये भी लिप पेंसिल है, ये भी लोकल मार्केट से ही मैंने ली थी, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एक सेकेंड, ओपन नहीं हो रही है, सो इसको मैं पहले रख देती हूँ। सो उसके बाद इस वाले ड्रॉअर को मैं बंद कर देती हूँ। देन नीचे वाले ड्रॉअर में भी अगेन हुडा ब्यूटी की लिक्विड लिपस्टिक है, सो ये ड्यूप लिक्विड लिपस्टिक है जिसमें के न्यू एडिशन आया था वो वाली, तो सारी इसमें मैंने ये वाले ही ड्रॉअर में रखा हुआ है। तो शेड आप देख सकते हो इसमें के जो शेड्स हैं ना वो थोड़े इसमें के जो दो तीन शेड है वो थोड़े सिमिलर है, तो इसको मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, तो इसलिए मैंने इसको नीचे रखा हुआ है। तो अब आते हैं इस वाले ड्रॉअर की तरफ, तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे रखे हुए हैं लाइनर्स, तो कुछ इस इतने सारे मेरे पास लाइनर है, तो ये है लैक्मी इंस्टा का आई लाइनर, ये भी है ये कलर आई लाइनर है, एंड ये है फोकलियर का जेल ब्राउ पोमेट कह लो या आईलाइनर कह लो। सो उसके बाद है ये लॉरियल का जेल आईलाइनर, ये है म्यूज़िक फ्लावर का जेल आईलाइनर जिसमें दो रिसीव होते हैं ब्राउन एंड ब्लैक जो पीछे रखा हुआ है। सो उसके बाद है ये मेरे पास NYB का आईलाइनर, उसके बाद है ये मेबिलिन का हाइपर ग्लॉसी आईलाइनर, और स्टे करकी के भी दो लाइनर है मेरे पास, ये स्टे करकी का ब्लैक है और इसमें ब्राउन कलर का है शिमर जो ग्लिटर वाला है ना वो है, ये वाला है स्टे करकी का। देन उसके बाद है ये हिलारी रोडा का ग्लिटर आईलाइनर, एंड ये है आईब्रो पेंसिल ADS की,
उसके बाद है ये वेट एंड वाइल्ड की आईब्रो पेंसिल जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। उसके बाद है ये मेबेलिन का कोलोसल काजल एंड पीछे यहाँ पर रखा हुआ है ये लैक्मी का इंस्टाइल लाइनर, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इनफैक्ट मैंने दूसरे वाले भी लाइनर्स ट्राई किए हैं कलर वाले, बट वो वाले इतने ज़्यादा अच्छे नहीं रहते हैं जितना कि ये लैक्मी इंस्टा का आईलाइनर मुझे अच्छा लगता है ब्लू कलर में। एंड उसके बाद है ये मेरे पास लॉरियल का सुपर लाइनर स्केच लाइनर है ये, तो उसके नीचे है यहाँ पर ये सिवाना कलर्स का आईब्रो किट जिसमें दो शेड मिलते हैं, एक ब्राउन एंड ब्लैक, तो ब्राउन वाला मुझसे टूट गया है अगेन, सो इसको मैं बंद कर देती हूँ इस वाले ड्रॉअर को। देन नीचे वाले ड्रॉअर में आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे कॉम्पैक्ट रखे हुए हैं, ये है लैक्मे एब्सोल्यूट का, देन नीचे है मेबेलिन का, उसके बाद ये मेरे फॉल्स आईलैशेस रखे हुए हैं, ये रहे हुडा ब्यूटी के, सो ये है लॉरियल का बटरफ्लाई मस्कारा एंड ये है मेबेलिन का हाइपरकल मस्कारा। तो इसमें कुछ इतने ही प्रोडक्ट्स हैं। सो नीचे के ड्रॉअर्स में मेरे सारे लिप लाइनर्स रखे हुए हैं जो कि MN के हैं और दूसरे भी हैं, और ये जो है डेबोरा का वाइट काजल है जो कि मैं इसमें रखती हूँ बिकॉज मैं सारे आई पेंसिल जो है इसमें रखा हुआ है मैंने। ओके, तो कुछ इतने सारे मेरे पास लिप पेंसिल है एज़ यू कैन सी। देन इसको मैं बंद कर देती हूँ। देन नीचे के ड्रॉअर में यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे दो ब्यूटी ब्लेंडर रखे हैं पूना स्टोर के। देन फेयर एंड लवली की क्रीम है जो कि मैं यूज़ नहीं करती हूँ, वीडियो के लिए मैंने लिया था। उसके बाद है ये ब्लशर पैलेट, और इसके बाद है ये मेरा मेबेलिन का ड्रीम टच ब्लशर, और ये है लिप प्लम्पर जिस पर मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुकी हूँ एंड ये इंस्टेंटली इफ़ेक्ट आपको लिप्स पर दिखता है। उसके बाद है ये ADS का ब्लशर जो कि अगेन बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। उसके बाद है ये मेरे पास मार्स की 3D कॉन्टोरिंग स्टिक जो कि इसमें आपको एक ऊपर हाइलाइटिंग कंसीलर मिलता है, देन यहाँ पर आपको कॉन्टोर शेड मिलता है। उसके बाद आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर मेरा एक काजल रखा हुआ है जो कि मैं स्कूल टाइम से यूज़ कर रही हूँ और मुझे अभी भी यूज़ करना पसंद है। ठीक है, सो इसको मैं बंद कर देती हूँ। और यहाँ पर जो है मेरे दोनों ज्वेलरी के बॉक्स रखे हुए हैं एंड ये मेकअप का रखा हुआ है एंड ऊपर मेरा पर्स है। ठीक है, सो नीचे जो है अगेन वो ज्वेलरी है। तो गाइस कुछ इतने ही सारे प्रोडक्ट्स मेरे पास है जो कि मैंने आपको सारे दिखा दिए। टुडेज वीडियो एंड आई होप मैंने आप लोग की रिक्वेस्ट पूरी कर दी, और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है shalu666 जहाँ पर मैं अपनी अपडेट देती रहती हूँ, तो जल्दी से जाकर फॉलो कर लो और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।